अगर आप 2024 की MNS Plus NEET की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। सो जय हिंद स्टूडेंट्स, मेडिकल सीरीज के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है और आई होप सो कि आपने MNS अतिरिक्त CBT बैच के अंदर एडमिशन ले लिया होगा। और अगर नहीं लिया है तो हमारे नंबर यहाँ पर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप किसी पे भी कॉल करिए और अभी उसमें एनरोलमेंट ले लीजिए क्योंकि समय निकलता जा रहा है और CBT का एग्जाम आपके सामने ही होगा। अब एक बात जो आज मैं आपसे करने वाला हूँ वो है सबसे बड़ा जो पिछले साल रिजेक्शन का कारण बना था जिस वजह से मेडिकली मैक्सिमली फीमेल्स को आपके पास अनफिट घोषित कर दिया गया था, वो है हीमोग्लोबिन के लेवल्स। अब हीमोग्लोबिन के लेवल की वजह से पिछले साल बहुत सारी रिजेक्शन देखने को मिली और वैसे भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी ये बात कही थी कि इंडिया के अंदर जो आपके पास मैक्सिमम फीमेल्स हैं 70-80% फीमेल्स हैं वो हमेशा अनीमिक होती हैं, उनको बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है, ना तो वो कोई एग्जामिनेशन करवाती हैं अपना रेगुलर बेसिस के अंदर कि उनको ये पता हो कि उनका हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है। अब एक बात ध्यान देना, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी का वो कंपोनेंट है जो हमारे RBC के अंदर मौजूद होता है। मैक्सिमली तो आपको पता ही होगा ये चीज, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो RBC है वो RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कंटेंट है वो अगर आपकी बॉडी के अंदर नॉर्मल क्वांटिटी में नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत आ सकती है। उसका नॉर्मल अगर आप सिनेरियो देखेंगे तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को अपने साथ बॉन्ड करने का। अब सोचिए आपने ऑक्सीजन को इनहेल किया और आपकी बॉडी के अंदर सफिशियंट अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो आप किस तरह से एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करवा पाएंगे उस ऑक्सीजन को, क्योंकि आपकी बॉडी के RBCs अगर आपके पास कम है या हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम है, हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है वो अगर आपको मालूम है वो होती है आयरन, और आयरन का कंटेंट ही अगर आप मान के चलिए कि आपकी बॉडी के अंदर कंटेंट ही कम चल रहा है तो किस तरह से आपकी बॉडी उस चीज को कंपनसेट करेगी, क्योंकि आयरन आपके पास आपको कहीं ना कहीं डाइटरी रिसोर्सेज से ही लेना पड़ेगा और अगर आप डाइटरी रिसोर्सेज उसकी चीजों के ले नहीं रहे हैं जहां पर आपको आयरन मिल सकता है तो किस तरह से बॉडी के अंदर आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, किस तरह से हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में ज्यादा बनेगा, किस तरह से आपके पास RBC मैच्योर स्टेट में जाएगा वो हो ही नहीं पाएगा। अब इसका मतलब है कि आपको आज ही एक काम करना है, सबसे पहले आपने जाना है और कंप्लीट ब्लड काउंट आपका कराना है और कंप्लीट ब्लड काउंट को करवाने पर आपको सबसे पहले वहां पर एस्टिमेशन दिखेगी दैट इज दी हीमोग्लोबिन के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है, तो नॉर्मल रेंज रहेगी 12-14 ग्राम पर डेसीलीटर। देखिएगा मिनिमली आपकी बॉडी के अंदर 12 ग्राम पर डेसीलीटर आपके पास हीमोग्लोबिन का होना एक अनिवार्य है, मैक्सिमली आपके पास 14 ग्राम पर डेसीलीटर फीमेल के अंदर आपके पास मैक्सिमल जो रेंज लिखी गई है वो होनी चाहिए। मेल के बारे में रेंज आपकी डिफरेंट रहती है तो मेल के लिए तो एग्जाम ही नहीं है तो उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। 12-14 ग्राम पर डेसीलीटर या पर 100 ml ऑफ ब्लड आपके पास इस रेंज का होना अनिवार्य होगा। अब मान लेते हैं कि आपके पास में कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन जो है वो आपका आज कम है, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाएंगे कैसे? तो मैंने पहली चीज आपको क्या कही थी, मैंने ये कहा था कि हीमोग्लोबिन का जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है वो हमेशा आयरन होती है, इसका मतलब आपको उन चीजों को खाना शुरू कर देना चाहिए जहां पर आयरन का कंटेंट आपको ज्यादा मिलता है। तो जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, याद करके चलना, जितने भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं या रॉ मटेरियल्स आपके पास होते हैं, उबले हुए नहीं, जो आपके पास पकाए हुए ना हो, कच्चे, ठीक है, तो वहां पर मैं रॉ मटेरियल के बारे में बात कर रहा हूं, लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बात कर रहा हूं, अगर आप उनको कंज्यूम करते हैं तो ज्यादातर वहां पर आयरन का कंटेंट आपको ज्यादा ही मिलता है, यह चीज थोड़ा सा ध्यान करके चलिएगा। तो कच्ची चीजों को खाना थोड़ा सा शुरू करिएगा। इसके अलावा दूसरा काम आप एक और भी कर सकते हैं, आज इस समय जो सीजन चल रहा है आपके पास बाजार में बहुत कॉमनली अनार मिलते हैं, अनार भी है और चकरकंदे भी मिलते हैं, तो उनको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, बॉडी के अंदर अगर हो सकता है कई बार जो है वो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती है, कई बार लीवर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कई बार आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आपके पास ज्यादा ही आपके पास कहीं ना कहीं आयरन की कमी है बॉडी के अंदर, जिसको अगर आप एस्टिमेट कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। हीमोग्लोबिन अगर जरूरत से ज्यादा ही कम लग रहा है तो अगर आप वो एस्टिमेट करा रहे हैं और आपको पता लग रहा है कि हीमोग्लोबिन का कंटेंट ही बहुत ज्यादा कम है तो एक काम और किया जा सकता है, आपको एक काम और कर लेना है, वो है विटामिन B12 के लेवल को पक्का एस्टिमेट करा लेना कि आपकी बॉडी में कितना है, क्योंकि कई बार ना
एक तरह से प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम बॉडी जो फीमेल की है वहां पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती है हमेशा, क्योंकि जो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से होनी है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मान लो जितना क्वांटिटी ऑफ विटामिन B12 एब्जॉर्ब होना चाहिए, आयरन एब्जॉर्ब होना चाहिए, वही ना हो तो आप क्या कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन B12 और आयरन की आवश्यकता होगी जो आपके खाने या डाइटरी इंटेक से उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो आपके पास अगर आप एक बार जनरल मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनको दिखाएं, और इसके बारे में आपको ज़्यादातर एक बात और ध्यान रखनी है, क्योंकि जनरल मेडिसिन का डॉक्टर आपको ज़्यादातर जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं दवाइयाँ खाने को देगा, ओरली इनटेक करने को देगा। तो एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास समय ज़्यादा ना हो तो देखिएगा मल्टी वाइटामिन्स का जो इफेक्ट आता है वो बहुत ज़्यादा लेट आता है, और इंजेक्टेबल जो फॉर्म्स होती हैं उनके इफेक्ट आपको ज़्यादा जल्दी देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर समय आपके पास कम रह जाए, आपको पता लगे कि 10-15 दिन का समय और उससे पहले आप कहीं ना कहीं चेकअप कराने गए, वैसे तो होना नहीं है, क्योंकि मेरे वीडियो को देखने बाद आप सबसे पहला काम यही करना कि अपने हीमोग्लोबिन लेवल जो है पक्का चेक करा लेने, आयरन के लेवल पक्का चेक करा लेने, विटामिन B12 का लेवल पक्का चेक करा लेने। क्योंकि अगर आपने नहीं कराया और आखिरी समय पर कराने गए और ओरली इंटेक अब मान नहीं रहा है, मान लो जनरल मेडिसिन का डॉक्टर नहीं मान रहा है, आपको नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा है इंजेक्टेबल फॉर्म, तो वहां पर दिक्कतें हो जाएंगी, क्योंकि मल्टी वाइटामिन ओरली इंटेक करने पर भी कई बार इफेक्ट नहीं देते, उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो आप इंजेक्टेबल फॉर्म्स का यूज करना पड़ता है। लेकिन वो तो देखिए मेरा जोनर नहीं है तो मैं उसके बारे में नहीं बात करूंगा। तो आपको जनरल मेडिसिन के डॉक्टर के पास जाना है, वो आपको ज्यादा बेटर मेरे से गाइड कर पाएगा, लेकिन जितना मुझे मालूम है मैंने वो सारा चीज आपको बताने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर। हाँ, एक बात और है, अभी भी अगर आपने 15 मई से जो हमारा बैच CBT के लिए लॉन्च होने वाला है, अगर आपने वहां पर एडमिशन नहीं लिया है तो अभी भी नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, पक्का से अभी कॉल करिए और इस बैच के अंदर एडमिशन ले लीजिए। और मेडिकल सीरीज की और वीडियोस हैं उसके साथ तो मैं आपके साथ मिलता ही रहूंगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और दूसरों का शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच। अगर आप 2024 की MNS प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। अगर आप 2024 की MNS प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।